हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए इस चैनल पर नई नई जानकारियाँ लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ जानकारी लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बताऊँगी कि PF अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और बीमा पॉलिसी किस तरह से बंद हो जाती हैं और इनको रीस्टार्ट करवाने का क्या प्रोसीजर होता है। जानेंगे आज की इस वीडियो में सारी बातें डिटेल में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सरकारी योजनाओं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हर कोई किसी न किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जरूर करता है, इसमें कुछ पैसा बनाने के लिए। ये स्कीम हम इसलिए करते हैं कि शायद हमारी इनकम कुछ बढ़ जाए, कुछ सेहत के लिए हेल्थ पर्पसें बनाई जाती हैं, लेकिन कई बार मजबूरियों में फंसकर इनके प्रीमियम हम वक्त पर जमा नहीं करवा पाते और ऐसे में ये पॉलिसी बंद हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसी तरह की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, अगर बंद हो जाती हैं तो उनको किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे PPF अकाउंट की। अगर किसी वित्त वर्ष में खाते के अंदर कम से कम 500 रुपये नहीं जमा कराए जाते तो वो अकाउंट बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी जमा पैसे पर ब्याज मिलता रहता है, लेकिन खाता इनएक्टिव होने पर आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, फिर इस खाते पर लोन भी नहीं लिया जा सकता। चलिए जानते हैं कि किस तरह से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। जिस भी जगह पर आपका PF खाता खुला हुआ है उसकी किसी भी ब्रांच में आपको जाना होगा। उस ब्रांच में जाकर हर एक साल के हिसाब से आपको 500 रुपये जमा कराने होंगे, साथ ही हर एक साल के हिसाब से 50 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। ऐसा करने के बाद आपका अकाउंट रीओपन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट के। आपको एक निश्चित अवधि के लिए लगातार एक निश्चित रकम देनी होती है। अवधि खत्म होने के आखिर में आपको आपका सारा पैसा मुनाफे के साथ वापस कर दिया जाता है। रकम जमा ना करने पर यह खाता भी बंद हो जाता है। चलिए अब इसकी पेनल्टी के बारे में जानते हैं। नॉन पेमेंट के प्रत्येक महीने के हिसाब से इस पर जुर्माना लगता है। खाते के मैच्योर होने पर 10 रुपये का सर्विस चार्ज लगाया जाता है। ये तब लगता है जब 3 या फिर उससे ज़्यादा किस्तें लैप्स हो जाती हैं, यानी कि आपने नहीं भरी हैं। अगर 6 महीने तक किस्त नहीं भरी गई तो खाता हमेशा के लिए बंद हो जाता है और तब तक जमा रकम निवेशक को दे दी जाती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अकाउंट किस तरह से ओपन करवाया जा सकता है। पेनल्टी देने के बाद इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। 5 साल से कम के लिए पेनल्टी हर 100 रुपये पर 1.5 रुपये प्रति महीने के हिसाब से लगाई जाती है। वहीं अगर अवधि 5 साल से ज़्यादा हो तो पेनल्टी हर 100 रुपये पर 2 रुपये के हिसाब से लगाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट की, तो इसमें भी किस्त ना जमा करने पर अकाउंट बंद कर दिया जाता है। लगातार 4 महीने किस्त ना जमा करने पर खाता बंद कर दिया जाएगा। फिर जमा ना की गई राशि देने के बाद फिर से इसे शुरू किया जा सकता है। किस्त के प्रति 5 रुपये पर 5 पैसे का हिसाब से पेनल्टी लगाई जाती है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर हर साल कम से कम 1,000 रुपये जमा नहीं किए गए तो खाता ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? शुरू करने के लिए आपके पास के पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में आपको जाना होगा। बकाया जमा किए गए नॉन पेमेंट वाले कुल सालों के हिसाब से प्रत्येक साल के लिए कम से कम आपको 1,000 रुपये देने होंगे। हर साल के हिसाब से आपको 50 रुपये उस पर जुर्माना भी देना होगा। इसी तरह अगर हम जीवन बीमा पॉलिसी की बात करें तो सालाना प्रीमियम नहीं भरें तो बीमा बंद हो जाता है। मिलने वाले 15 से 30 दिन के ग्रेस पीरियड में भी रकम ना जमा करने पर पॉलिसी को लैप्स माना जाता है और जितने वक्त तक पेमेंट नहीं होती है उतने वक्त तक के लिए इंश्योर्ड शख्स को बीमे के तहत कवर नहीं माना जाता है। अगर पॉलिसी को स्टार्ट करने की बात करें तो अगर आपका एंडोमेंट प्लान है तो बंद होने के 2 साल तक दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ब्रांच ऑफिस या फिर अपने एजेंट से बात भी कर सकते हैं। बचे हुए सारे प्रीमियम भरने होते हैं, लेट पेमेंट और दूसरे जुर्माने भी देने होते हैं। अपने अनपेड प्रीमियम के 6 महीने के अंदर अगर पॉलिसी शुरू कर ली जाती है तो हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। अगर इसे ज़्यादा वक्त हो जाता है तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो अगर ऐसा टर्म इंश्योरेंस
इंश्योरेंस बंद हो जाता है तो बंद होने के 2 साल बाद तक शुरू भी किया जा सकता है। इसके लिए भी अनपेड प्रीमियम और लेट फीस भरनी होती है, लेकिन इसमें सलाह दी जाती है कि नई पॉलिसी ही खरीद ली जाए। अगर आपको कोई खास बीमारी है जो पहले वाले बीमे में कवर है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के बारे में। अगर ये इंश्योरेंस बंद हो जाता है तो पॉलिसी लॉक इन पीरियड में बंद हो जाए तो आपके पास इसे फिर से शुरू करने के लिए 2 साल होते हैं। आप चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई रिस्क कवर नहीं मिलेगा। प्लान बंद करने के बाद आपकी राशि गैर चालू पॉलिसी फंड में चली जाएगी, जिस पर सालाना 4% ब्याज मिलेगा। इस पर 0.5% की दर से फंड मैनेजमेंट चार्ज भी लगाया जाएगा। फिर लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद आपको रकम वापस दे दी जाएगी। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सालाना पेमेंट ना करने पर यह भी बंद हो जाती है। किस्त जमा करने के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। लैप्स पीरियड में पॉलिसी धारक कवर नहीं होता है। अगर लैप्स पीरियड के दौरान पॉलिसी धारक को कोई नई बीमारी होती है तो उसके बारे में उसे पॉलिसी कंपनी को बताना होता है। अगर पॉलिसी होल्डर ने एक से ज्यादा प्रीमियम मिस कर दिया है तो उसे फिर से नहीं शुरू किया जा सकता। इसी तरह अगर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो अगर आपने प्रीमियम मिस कर दिया तो मोटर इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। अगर पॉलिसी खत्म होने के 90 दिन के अंदर इसे नहीं कराया गया तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तय वक्त पर मोटर बीमा न करवाने पर आपको कोई वाहन का निरीक्षण करवाना होगा और उसमें ये देखा जाएगा वो पहले से कितनी डैमेज हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की पॉलिसी अगर लैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आप किस तरह से उसे रिस्टार्ट करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।